विंबलडन 2024 का फाइनल 14 जुलाई को खेला गया, जिसमें मुकाबला सर्बिया के नोबाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्कराज़ के बीच हुआ। यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। लंदन के सेंटर कोर्ट में कार्लोस अल्कराज़ ने नोबाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2024 का खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज़ ने नोबाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर लगातार दूसरी बार यह विंबलडन खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी कार्लोस अल्कराज़ को बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर ने कार्लोस अल्कराज़ की जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट की और उनकी तारीफ की। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, अब से टेनिस पर एक ही राज करेगा, वो है अल्कराज़। विंबलडन फाइनल में सीधे सेंटू में एक वर्ल्ड क्लास ओपोनेंट के खिलाफ जीतना कोई मजाक नहीं है। उस तरह की गति, ताकत, प्लेसमेंट और ऊर्जा के साथ ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में कार्लोस अल्कराज़ को फायदा होगा। नोवाक जोकोविच को उनकी गरिमा और जीत और हार में उनकी व्यवहार के लिए सलाम। मेरे लिए एक सच्चा खिलाड़ी का प्रतीक है। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कार्लोस अल्कराज़ उस दिन एक इंसरमाउंटेबल चैलेंज साबित हुए, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। 14 मिनट तक चले पहले गेम में कार्लोस अल्कराज़ ने अपने 5वें मौके पर नोवाक जोकोविच की सर्विस तोड़ी और आगे निकल गए। इसके बाद 21 वर्षीय अल्कराज़ ने अपनी अच्छी सर्विस से पहला सेट जीत लिया। तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। स्कोर 4-4 हो गया। इसके बाद अल्कराज़ ने शानदार बैकहैंड शॉट मारा और सर्विस तोड़कर 5-1 से आगे हो गए। हालांकि वे 3 मौके पर मैच जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और अपनी सर्विस गवा बैठे। इसके बाद हाई ब्रेक हुआ, जिसमें अल्कराज़ ने खुद पर कंट्रोल बनाए रखा और जोकोविच की गलती का फायदा उठाकर मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।